बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अवान फूड पॉइंट और आज हम बनाएंगे बैंगन की ऐसी रेसिपी कि आप हैरान रह जाएंगे। इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने क्रिस्पी बनते हैं ये। और अगर आपके घर में बैंगन कोई नहीं खाता तो एक बार आप इसको मस्ट ट्राई करें। तो नेक्स्ट आपके घर में सभी इस तरीके से बैंगन इंशाल्लाह खाएंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। और बहुत ही इजी मेथड है इसका और बहुत ही हमारे जल्दी से ये बन जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे मैंने बैंगन लिया है, इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। कटिंग का आप देख लें इसको आपने किस तरह से करना है। जिस तरह इसको मैं कटिंग कर रही हूँ सेम आपकी कटिंग भी ऐसी ही होनी चाहिए। थोड़े से इसको आपने मोटा कटिंग करना है, बारीक नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है आपने। तो इसको सर्कल के स्टाइल में कटिंग करने के बाद आपने इसको लॉन्ग कटिंग करना है। और इसको यहाँ से इस तरह से आपने एक बैंगन में से 3 से 4 पीसेस कर लेने हैं। आई थिंक सो 4 होंगे इसमें। और इसी साइज़ में आपने मोटा मोटा कटिंग करना है। अगर आप बारीक करेंगे तो ये हलवा बन जाएंगे, इसीलिए कटिंग तो आपने सेम ऐसी ही करनी है। कटिंग कर लेने के बाद इसमें आपने एक एग ऐड करना है। एग यहाँ पे कच्चा एक आएगा, आप यहाँ पे ऐड करेंगे। एग ऐड कर लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि एग तमाम जो हमारे बैंगन के पीसेस हैं उस पर अच्छी तरह से लग जाए। और इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। यहाँ पे अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा आप देख लें यहाँ पर आपने हाफ कप ऐड करना है। तो मैदा ऐड करने के बाद यहाँ पर हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करना है और हाफ टेबल स्पून ही आपने इसमें नमक ऐड करना है। बस इसमें यही दो मसाले जाएंगे, इसके अलावा और आपने कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करना। नमक और रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स आपने यहाँ पे अच्छी तरह से करना है ताकि जो हमारा मैदा है वो भी अच्छी तरह से तमाम बैंगन के स्लाइस पे लग जाए और यहाँ पे हमारा जो मैदा है वो हमारा ड्राई ना रहे, वो एग के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आपका भी इसी तरह मिक्स होना चाहिए, कहीं पे भी जो मैदे का पाउडर है वो नज़र नहीं आना चाहिए। इसी तरह मिक्स अच्छी तरह कर लेने के बाद अब हमने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले आपने पैन में ऑयल लेना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है अच्छी तरह से। तो अब मैंने इसमें बैंगन ऐड किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा डीपली फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट थोड़े से ऑयल में ये फ्राई हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी एंड क्विक रेसिपी है ये और बहुत ही इजीली बहुत कम टाइम में ये बन जाती है। जितने टाइम में बैंगन की सब्ज़ी बनती है उससे भी कम टाइम में ये रेसिपी रेडी हो जाती है। और बैंगन की सब्ज़ी तो वैसे ही कोई इतने शौक़ से नहीं खाता, बट ये बना लेने के बाद तो आप बस इस रेसिपी के फ़ैन ही हो जाएंगे। जैसे ही आपकी एक साइड गोल्डन हो जाए तो आपने उनकी साइड बैंगन की चेंज कर देनी है। ब्रिंजल की एक साइड इसकी कुक हो गई थी, मैंने दूसरी साइड इसकी चेंज करके इसको कुक कर रही हूँ अब। जैसे ही हमारी दोनों साइड्स गोल्डन हो जाएं तो आपने इनको निकाल लेना है ऑयल में से। देखें गोल्डन हो चुकी हैं। यहाँ पे आपने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्लैक नहीं होने चाहिए ये। अगर ब्लैक हो गए तो इसका कड़वा सा टेस्ट आएगा। रेसिपी हमारी रेडी है, चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़े की, कितनी प्यारी है। और इसको मैं आपको दिखाती भी हूँ क्लोज करके। ये देखिए ये कितने मज़े के, कितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं ये। आप एक बार इसको मस्ट ट्राई कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह।